हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा बैरोलिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही सुंदर से एक रिंग प्लैटर बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों, आज का डेकोरेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरा वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, शुरू से अंत तक। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताती जाऊँगी हम क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल में लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिंग प्लैटर के लिए देखिए, आज मैंने जो लिया है इस तरह का एक मेरे पास मिरर की शीट के साथ में, ये बास्केट जैसा आप कह सकते हैं इसे, पूरे वायर लगे हुए हैं अच्छे मजबूत, और ये एक तरह से बास्केट की लुक आ रहा है इसमें, ओपन बास्केट लुक दिख रहा है। साथ में मिरर शीट लगी हुई है इसमें, तो रेडी पीस ये मुझे मिला है। इस पर हम डेकोरेशन करेंगे और एक बहुत सुंदर सी हम इस पर रिंग प्लैटर बना रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। डायमंड की ये चेन है, बहुत आसानी से देखिए ये तो मिलती है। हम इस डायमंड की चेन से स्टार्ट करेंगे और लगाना स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से। ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, ये कॉर्नर से लगाएंगे, और जो ऊपर की तरफ यहाँ जो हमारे साइड्स हैं जो आपको आगे की तरफ दिख रहे हैं, ये यहाँ हम पूरा लगाएंगे और नीचे की तरफ लगाएंगे। सिंपल है, हमें फेविकोल से इसको लगा रहे हैं। फेविकोल लगाकर हम धीरे 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 इसे बढ़ाते जाएंगे। ग्लू का इसमें मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। कई बार ग्लू का इस्तेमाल करने से, इससे डायमंड की पतली चेन है तो मोटा मोटा लगने लग जाता है वो ग्लू, तो फिनिशिंग नहीं आती है। और कोई बात नहीं, फिनिशिंग के लिए मैं इसमें फेविकोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिंपली हमें डायमंड की चेन अरेंज करनी है। इस तरह से पूरे चारों तरफ हमने ये चेन को लगाना है। फेविकोल की हेल्प लगाएंगे, आराम से लगाएंगे और सूखने का वेट करेंगे, पूरा अच्छे से सूखने देंगे। जो भी एक्स्ट्रा ग्लू कहीं लग रहा है, फेविकोल है, निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाला। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से फिनिशिंग से हमें पूरे राउंड प्लेट में लगानी है और उनकी जो हैंडल है वहाँ लगानी है। देखिए दोस्तों, पूरे पे हमारी डायमंड की चेन लग के रेडी हो गई है। ऊपर हैंडल पे भी हमने लगा लिया है इसे। अब देखिए, डेकोरेशन के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने बड़ा सा एक फैंसी मोती रख रखा है और आर्टिफिशियल फ्लावर रख रखा है एक। सिंपल है क्योंकि हमने नीचे ग्लास लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट नहीं, उसमें से रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसके लिए थोड़ा फैंसी हम ये मोती लेंगे, साथ में उसमें एक फ्लावर अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए ये बन गया। इस तरह से हम चार पांच बना के रख लेंगे अपने पास में और इसे प्लेट में अरेंज कर देंगे। कुछ अलग तरीका है ये अरेंजमेंट का। पहले रख के देख लेंगे, उसके बाद में ही हम ग्लू से इसे पूरा चिपकाएंगे। इस तरह हमने हाफ में ये अरेंज कर लिया है। अब बारी आती है हमारी रिंग की डब्बे की, जो हम इसे यहाँ प्लेस कर देंगे इस तरीके से। सिंपली बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं लगाए हैं हमने, सिंपल तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। आपको अगर कुछ हैंगिंग्स वगैरह चाहिए तो आप लगा सकते हैं, बट मैंने इसे एकदम सिंपल रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, रिंग प्लेटर पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसमें मैंने थोड़ी सी मोती की हैंगिंग्स ऐड की है, ये चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है बट बहुत एलिगेंट और सुंदर लग रही है, आप देख रहे होंगे इसे।
अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।